दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपने वीडियो में, अपने ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ को लेकर, और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, अलग अलग माइक का यूज़ करते हैं, ताकि यार कैसे भी करके उनके वीडियो से, उनके ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ हट जाए। लेकिन रिजल्ट क्या होता है कि जब आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ हटना तो दूर, उल्टा जो उनकी ओरिजिनल वॉइस होती ना वो भी ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों यदि आपके वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ रिकॉर्ड होगी ना तो वो तो आएगी ही, लेकिन यदि आप ऐसा कुछ करें जिससे कि यार आपके वीडियो में या फिर आपके ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ रिकॉर्ड ही ना हो, तो फिर बैकग्राउंड नॉइज़ हटाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और यही तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि यार कैसे आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ हटा सकते हैं, और लाखों लोगों को उस वाले वीडियो से हेल्प भी हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। यदि ये वीडियो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये काम नहीं करता तो आप उस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जो यदि आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं ना अपने वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने के लिए, तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी होती है ना उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि यार आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे सके अपने वीडियो में। अब आप ये काम कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जब वीडियो बनाते हैं तो इस प्रकार से मोबाइल रख लेते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं इस फ़ोन से, ऐसा हाथ में पकड़ के रखते हैं और उधर दूसरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है यदि आपके पास माइक नहीं है तो। यदि आप दूसरे फ़ोन से जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है, और जब आप एडिटिंग करने जाएंगे तो आप मर्ज कर दीजिए। जिसके पास माइक नहीं है उनके लिए तरीका बेस्ट है, दूसरे फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्ड करिए, और जो आपके पास फ़ोन का मेन फ़ोन जिससे आप वीडियो शूट करना चाहते हैं आप उससे वीडियो शूट कर लीजिए, या फिर जब आपके पास कैमरा होगा तो आप कैमरे से वीडियो शूट कर लीजिए, और दूसरे फ़ोन से आपके पास जो भी सेकेंडरी फ़ोन होगा उससे आप इस प्रकार से इतने दूर पर रख के तकरीबन आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी में हो जाता है। अब जिसके पास माइक होगा, तो यदि आपके पास माइक है तो आप दूसरे फ़ोन में माइक कनेक्ट कर दीजिए, फ़ोन को जेब में डाल दीजिए और इस प्रकार से माइक लगा दीजिए। अभी मैं ये जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, जो आप सुन रहे हैं एकदम क्लियर ऑडियो है, ये मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है जब आप सेकेंडरी फ़ोन या फिर लैपटॉप से ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो। आप मेन जो आपका फ़ोन होगा उससे आप वीडियो बना लीजिए, या यदि आपके पास कैमरा होगा तो आप उससे वीडियो शूट कर लीजिए, और जब आप एडिटिंग करने जाएंगे तो वीडियो और ऑडियो को मर्ज कर दीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आप एक दो बार करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप नेक्स्ट बार जब भी करते हैं फटाफट से हो जाएगा काम। जिन लोगों के पास लैपटॉप होगा ना तो वो लैपटॉप से ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, जिन लोगों के पास मोबाइल होगा तो वो मोबाइल से तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कहीं से कहीं तो। पर सभी के पास यार सेकेंडरी फ़ोन तो होता ही है, घर में किसी न किसी का तो फ़ोन होता ही है, वीडियो रिकॉर्ड करते समय ला लीजिए और अच्छी क्वालिटी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप इस प्रकार से। तो दोस्तों यही वो तरीका है, लेकिन आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जब आप वीडियो शूट करने जाए, यदि आप इंडोर वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो वैसे भी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आता है, लेकिन जब आप आउटडोर वीडियो शूट करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ का झमेला हो जाता है। तो आप फिर भी ये कोशिश करिए कि आप किसी ऐसी जगह पर जाके वीडियो शूट करिए जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा लोग ना हो। अब आप ऐसा नहीं कि यार जंगल में जाके वीडियो शूट कर रहे हैं, लफड़ा हो जाएगा भाई जंगल में जाके यदि आप वीडियो शूट करेंगे तो। मेरा मतलब ये कि यार आप थोड़े से दूर जाकर वीडियो शूट करिए, जैसे कि आपके पास में कुछ लोग होंगे तो आप उनसे थोड़ा सा दूर जाके 100-200-300 मीटर की दूरी पर जाके आप वीडियो शूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जंगल में चले जाएँ भैया, सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है। तो बस यही वो तरीका है, क्योंकि ना जब आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे अपने वीडियो से या फिर ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने के लिए, तो जो आपकी ओरिजिनल ऑडियो क्वालिटी होगी ना उसमें फ़र्क पड़ जाएगा, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको ये जुगाड़ बताया है। अब जिन लोगों को फिर भी कोई समस्या रह जाती है, तो भैया एक एप्लीकेशन है नॉइस रिड्यूसर एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और इस पर मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया है, उसके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। 100% वर्किंग एप्लीकेशन है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उस सवालों को तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेक स्टार भी आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या क्या करते हैं तो।